तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि हेल इन अ सेल के लिए कुछ बड़े मैचेस जो कि ऑलरेडी अभी से एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। अंडरटेकर ने टीज किया है जॉन सीना के साथ रीमैच, और इसी के साथ साथ हम समर स्लैम में होने वाले एक बड़े मैच के बेटिंग ऑड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंडरटेकर और जॉन सीना के रीमैच के बारे में। तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से इसके बारे में रूमर सामने आए थे कि हमें समर स्लैम में इन दोनों का रीमैच देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तो ऐसा नहीं लगता कि हमें इन दोनों का रीमैच समर स्लैम में होते हुए दिखाई दे पाएगा, लेकिन अभी यहां पर अंडरटेकर ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ऐसा लगता है कि समर स्लैम में या फिर आगे चल के हमें जल्दी ही इन दोनों का रीमैच देखने को मिल सकता है। जी हां, अंडरटेकर जो कि इंस्टाग्राम चलाना सीख ही रहे हैं, मतलब कि वो अभी अभी इंस्टाग्राम पे आए हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है जहां पर आप देख सकते हैं कि अंडरटेकर यहां पर जॉन सीना के साथ रेसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंडरटेकर ने इस फोटो को क्यों पोस्ट किया वो तो अंडरटेकर को ही पता होगा, लेकिन यहां पर इस फोटो को देखने के बाद काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अंडरटेकर ने इस फोटो को पोस्ट करके इस बात की ओर इशारा दिया है कि जल्दी हमें अंडरटेकर और जॉन सीना का रीमैच देखने को मिल सकता है। बात करें यहां पर समर स्लैम के बारे में, तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट स्मैकडाउन लाइव में देखा था कि हमें वहां पर डैनियल ब्रायन वर्सेस द मिज का मैच कंफर्म होते हुए दिखाई दिया, और आप सभी को यह भी पता होगा कि यह मैच अपने आप में ही काफी बड़ा मैच है। तो फिर ऐसे में इस मैच के बेटिंग ऑड्स भी सामने आ चुके हैं, और आपको यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर हमें द मिज की जीत होते हुए दिखाई दे सकती है, और इस मैच में डैनियल ब्रायन की हार हो सकती है, और उसके बाद हो सकता है कि WWE इस स्टोरी लाइन को आगे भी बढ़ाए, और आगे चल के फिर से अगर इनका मैच होता है तो डैनियल ब्रायन वहां पर जीत जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं कि हमें यहां पर समर स्लैम में टाइटल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो मैच होने वाला है वहां पर हमें न्यू डे की टीम न्यू टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकती है। अभी हम यहाँ पर बात करें हेल इन अ सेल के बारे में, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो समर स्लैम के बाद हेल इन अ सेल WWE का अगला पे पर व्यू होने वाला है, और ऐसे में जहां पर हेल इन अ सेल होने वाला है मतलब कि AT&T सेंटर में, उस अरेना की वेबसाइट ने पहले से ही हेल इन अ सेल के लिए कुछ मैचेस को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है जो कि हमें हेल इन अ सेल में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर AT&T सेंटर की वेबसाइट ने रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच को प्रमोट किया था, उसके बाद एज स्टार्स वर्सेस समोआ जो के मैच को भी एडवर्टाइज किया गया, और अभी यहाँ पर जेफ हार्डी वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को भी एडवर्टाइज किया जा रहा है, मतलब कि एज स्टार्स वर्सेस समोआ जो, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी का मैच हमें हेल इन अ सेल में होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यार आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये तीनों मैचेस हेल इन अ सेल के पे पर व्यू में होते हैं तो क्या आप इन तीनों मैचेस के लिए एक्साइटेड होगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में।